हेड के तीन बॉर्डर है, सुपीरियर, राइट और इंफीरियर। ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर के ऊपर का सुपीरियर फर्स्ट पार्ट पैंक्रियाटोड्यूनल आर्टरी, यस, राइट गैस्ट्रोड्यूनल। क्या क्या आएगा? हेड ऑफ सुपीरियर पैंक्रियाटोड्यूनल आर्टरी होती है। ठीक है, ठीक है वो, और साथ में फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटेनम। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूटेनम दोनों को नॉस्ट्रम हो रहा होगा, और नीचे आया था होता है हमारे पास इंफीरियर सेकंड पार्ट ऑफ ये इंफीरियर इधर से आ रहे हैं पैंक्रियाटिक ड्यूटेनम, सुपीरियर इधर से आ रहे थे, यहाँ पे दोनों का नॉस्ट्रम। इसके नीचे आया था इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूटेनम और थर्ड पार्ट ऑफ इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूटेनम सुपीरियर मेडियन की ब्रांच और सुपीरियर मेडियन पैंक्रियाटिक ड्यूटेनम गैस्ट्रो ड्यूटेनम। ठीक है, इसके एंटीरियर रिलेशन में सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटेनम आया था थोड़ा सा, वो मतलब एंटीरियर में भी आ रहा है और सुपीरियर में भी आ रहा है ऊपर। बाकी यहाँ से ट्रांसवर्स कोलन पास करती है, ठीक है, और नीचे क्वाइल्स ऑफ ड्यूटेनम। ये पोस्टीरियर रिलेशन में फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूटेनम सबसे पहले एंटीरियर सरफेस, फिर ट्रांसवर्स कोलन और नीचे क्वाइल्स ऑफ इंटेस्टाइन। रिलेशन हो गई, उस रिलेशन में होती है हमारे पास सिस्टम वो डक्ट आती है, वाइल्ड डक, कौन वाइल्ड डक, उसके बाद इंफीरियर वेना के बाद और आ जाते हैं हमारे पास राइट प्रेशर डायफ्राम और राइट राइट रीनल वेसल्स, राइट प्रेशर डायफ्राम यार, और रिलेशन तो पढ़ने पड़ेंगे अभी, आइए नहीं नहीं इसका याद हो रहते हैं, देख के याद किया हुआ इंफीरियर वेना के बाद, इंफीरियर वेना के बाद राइट रीनल वेसल्स और राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम और कॉमन वाइल्ड, कॉमन वाइल्ड चार हो गए। ये हो गया हमारे पास हेड, नेक जो होता है कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, उसके इंटीरियर में आया था पाइलोरस ऑफ स्टमक और थोड़ा सा पेरिटोनियल लेसर से, लेसर से, और पोस्टीरियर में आया था हमारे पास पोर्टल वेन, ठीक है, पीछे याद है, ठीक है। उसके बाद अच्छा वो क्या था कि एक चीज आगे से एंसिनेट प्रोसेस की रहती है, एंसिनेट प्रोसेस के आगे से पीछे से उठा जाता है और आगे से, ठीक है, हेड के पीछे बनती है, हेड के पीछे से नहीं, बॉडी के पीछे से बनती है, बॉडी के पीछे से ओरिजिनेट होती है, बॉडी के पीछे से निकलती है, बॉडी के पीछे आगे सुपीरियर मीडियन डायरेक्ट पीछे अनसिनेट का रिलेशन है, हेड के वो तूने बता दिए, ये रिलेशन साथ तूने बताने बॉडी बॉडी के अंदर हमारे पास तीन बॉर्डर आए थे, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड सीनियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो होता है उसके ऊपर होता है हमारे पास सीलिक ट्रंक आता है, सीलिक ट्रंक डिवाइड होता है हेपेटिक में और स्पिनिक आर्टरी में, तो सुपीरियर बॉर्डर स्पिनिक आर्टरी में। एंटीरियर के ऊपर यहाँ पे होता है हमारे पास ट्रांसवर्स मेसोकोलम और इन्फीरियर के मीडियल रिलेशन में आता होता है हमारे पास सुपीरियर मेटेटरिक वेसल्स, ठीक है, तो यहाँ से पास करेंगे। पोस्टीरियर रिलेशन में इसका लेफ्ट साइड का सब कुछ आ जाएगा, लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट रीनल वेसल्स, एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा, स्प्लीनिक वेन और क्या है, और यार ये जो डक्ट इधर से आती है नहीं वो तो इसकी खैर इसके सबसे अंदर होगी ना, लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट रीनल वेसल्स, जेजुनम के ऑयल्स नहीं वो इधर से पेर में, ठीक है। अच्छा ये पोस्टीरियर सरफेस की होगी, ये जो सरफेस है ना सुपीरियर वाली जहाँ पे आया जाएगा गैस्ट्रिक इंप्रेशन स्टमक का और पेरिटोनियम, और जो इंफीरियर आया पहले यहाँ पे होते हैं कॉइल्स ऑफ जेजुनम, कॉइल्स ऑफ जेजुनम हो गए, ये स्टमक का वो और पेरिटोनियम सारे उसका लेसर सैक और ऊपर इसके वो आर्टरी वेन सीलियाक वगैरह, ये बॉर्डर के सॉरी, और पोस्टीरियर में जो है वो क्रेस्ट ऑफ द डायफ्राम, किडनी है, एओर्टा, किडनी भी आता है इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है। और बॉर्डर्स में क्या है, सुपीरियर आर्टरी रन कर रही है, इस पर ट्रांसवर्स मीडियम को रन कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे वो सुपीरियर मीडियम डायरेक्ट मीडियम है, मैं बताऊँ मैं तू तूने याद किया ना, तू बता तेरा पक्का है, टेल बता, टेल का तो सीधा सीधा है, नेक का तो कुछ टेल में कोई इतनी नहीं थी, नेक अगर ये बस ये इतना ही है, नेक के रिलेशन में क्या थे आगे से आ रहा था वो बैटिंग पोर्टल वेन बनती है, स्टमक और पीछे से और पीछे होता है पोर्टल वेन, पोर्टल, ठीक है, यहां हो गया सुपीरियर मीडियन डायरेक्ट, यहां हो गया एओर्टा, अब पाइलोरस और वो पोर्टल वेन, यहां क्या था पीछे तो वही है ना सारा, चल ठीक है, एक मिनट नहीं यार उधर कट्ठी मैंने दिया वाइवा कट्ठी दी है, इस तरह अब शुरू करो, यार ये पैंक्रियाज है, ये सी ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर लाई करती है, ठीक है, पैंक्रियाज को हमने डिवाइड किया हुआ है हेड कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन नेक बॉडी और टेल के अंदर, ठीक है। हेड जो होता है इसके हमारे पास तीन बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, राइट बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर, और एक इसका प्रोसेस है अनसीनेट प्रोसेस, ठीक है,
और इसकी दो सर्विसेज होती है, इंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस। इसके रिलेशन करते हैं, जो इसका सुपीरियर बॉर्डर होता है उसके रिलेशन में आती है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम और सुपीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। जो राइट बॉर्डर होता है उसके रिलेशन में होती है हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम और उन दोनों के एनास्टोम यहाँ पे हो रहा है। जो इंफीरियर बॉर्डर होता है उसके रिलेशन में होती है थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम और इंफीरियर पेनक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, बॉर्डर के रिलेशन हो गए। उसके बाद इसकी सर्विस में इंटीरियर सर्फेस जो होती है उसके रिलेशन में, अच्छा इंटीरियर सर्फेस के रिलेशन में सबसे पहले होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, फिर यहाँ से ट्रांसवर्स कोलन पास करती है और लोअर पोर्शन के अंदर हमारे पास क्वाइल ऑफ ड्यूडिनम लाई कर रही होती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसके पोस्टीरियर रिलेशन के अंदर हमारे पास पोर्टल वेन, राइट रीनल वेसल्स, कॉमन बाइल डक्ट और राइट क्रूस ऑफ डायफ्राम, ये चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे अनसीलेड प्रोसेस होता है, अनसीलेड प्रोसेस के एंटीरियरली पास करते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स। ठीक है, ठीक है। और पोस्टीरियर हो गया नेक, इसका कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है नेक के, इसके दो सर्फेस एंटीरियर पोस्टीरियर और दो बॉर्डर सुपीरियर और इंफीरियर। नेक के इंटीरियर रिलेशन में होती है हमारे पास पाइलोरस ऑफ स्टमक और पोस्टीरियर रिलेशन में होती है पोर्टल वेन और इंटीरियर रिलेशन में लेसर सैक भी आता है। ठीक है, उसके बाद बॉडी करते हैं, बॉडी की हमारे पास तीन सर्फेस हैं, तीन बॉर्डर हैं, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और ये इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, और इसकी तीन सर्फेस हैं, एंटीरियर सर्फेस, इन्फीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस। तीन बॉर्डर हो गए, सुपीरियर, इंटीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, अब इसके रिलेशन करते हैं, सबसे पहले जो सुपीरियर बॉर्डर होता है उसके रिलेशन में होता है सीलिक ट्रंक और सीलिक ट्रंक में से राइट की तरफ को जाती है हेपेटिक आर्टरी और लेफ्ट की तरफ को जाती है स्प्लीनिक आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर ट्रांसवर्स मेदोकोलन अटैच होती है और इन्फीरियर बॉर्डर के मीडियल पार्ट के अंदर हमारे पास होती है स्पीरियो मेसेंटेरिक वेसल, जो कि यहाँ से जो कि बॉडी के पीछे से ओरिजिनेट होती है और अनसीलेड प्रोसेस के आगे से पास करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी सर्विसेज में ये जो एंटीरियर सरफेस है यहाँ पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है, यानी कि स्टमक के रिलेशन में होती है और लेसर सैक आता दरमियान में। ठीक, जो इन्फीरियर सरफेस होती है यहाँ पे क्वाइल ऑफ इंटेस्टाइन आती है। ठीक है, और जिसकी पोस्टीरियर सरफेस होती है उसके रिलेशन में हमारे पास होती है एब्डोमिनल एओर्टा, लेफ्ट रीनल वेसल्स, स्प्लीनिक वेन, लेफ्ट क्रॉस ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट किडनी और लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड्स। ठीक है, और इसका जो चौथा पोर्शन है वो होता है टेल ऑफ पैंक्रियास, टेल ऑफ पैंक्रियास ग्रीनो रीनल लिगामेंट के अंदर से रन करता हुआ स्प्लीन तक अप्रोच, स्प्लीन के हाइलम तक पहुंचता है। दैट्स इट, गुड, बेस्ट हो गया यार।